गाने का नाम है बदनाम हो गया और उस गाने को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज मुझे ये दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा अभी लगातार गाने आ ही रहे हैं, एक मेरा बहुत शानदार गाना आ रहा है मोरे साजना, वो उसको भी आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है, मेरी फिल्म है जो 3 लैंग्वेज पे एक साथ आएगी, उसके लिए हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और मैं जानी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये, और मुंडे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, काफ़ी फिल्में की है मैंने। अभी रिसेंटली ऑस्कर के लिए RRR उसके लुक्स मैंने डिज़ाइन किए, संजू बाहुबली, बाहुबली 2, शाहरुख सर अमित जी के लिए, विकी कौशल सर, रणबीर कपूर, बहुत सारे एक्टर्स के लिए मैंने काम किया। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू सर। फाल्के अवार्ड जो मिला इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, और हमारे जो मुंडे साहब है जिन्होंने हमारे लिए जो इतनी मेहनत की, और जो बैक स्टेज के लिए जो पीछे पर्दे के पीछे जो कलाकार रहते उनके लिए जो ये आगे लाते हम लोग को, क्योंकि जो बैक स्टेज वाले को आगे ला के अवार्ड देना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए थैंक यू सो मच दादा साहब फाल्के। लगा ये फाल्के पुरस्कार मिलने से और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सिर्फ मनी एक फिल्म किया है, उसमें मैंने गाना गाया है सिर्फ मनी। मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ, तो मुझे ये अवार्ड मिल गया गाने के लिए। मैं सबका मैं आभारी हूँ, सब रिपोर्टर का भी, सबका, कलाकारों का, और मुझे बहुत खुश हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं गोवा से आया हूँ, मेरा नाम सत्यमान नायक है। मैं काफ़ी टाइम से मैं DPF में अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहे हैं। ग्लोबल एक्सटेंशन ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट को एक अवार्ड मिला है, उसके बाद ग्लोबल एक्सटेंशन के स्टाफ को एक अवार्ड मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी का, काफ़ी टाइम से मेरे साथ वो कनेक्शन में है कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं आज, उन्होंने जो ड्रग्स के बारे में या जो बेटी बचाओ के बारे में बता दिया है। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, ये ग्लोबल एक्सटेंशन ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यही काम करने जा रही है। 3 साल हो चुके हमारे कंपनी को, 3 सालों में काफ़ी 2000 से प्लस लोगों को हम अच्छे से अच्छे जो भी कुछ है उनका लाइफस्टाइल चेंज करने का हम ये काम कर रहे हैं। ये मेरी पूरी टीम है, मैं आगे से कल्याण जी को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमको बुलाया और हमारा हमको सम्मानित किया। थैंक यू, और ऑल सब मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड मुझे मिला है रामराज सॉन्ग के लिए। रामराज हमारा इस नाइन एंटरटेनमेंट रामराज एक सॉन्ग बनाया था जिसे 1 मिलियन लोगों ने देखा है, उसे हमारे योगी जी ने सराहा और मनोज तिवारी जी ने सराहा था। काफ़ी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, नील नितिन मुकेश जी ने सपोर्ट किया, हंसराज हंस जी ने सपोर्ट किया, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था। एंड मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और हमारी जो आज की यूथ है उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरह अगर थोड़ा सा मोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की पावर होती है ना उससे आप सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से बच सकते हैं। और ये मायावी नगरी में थोड़ा सा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अकेलापन हो जाता है लोगों को, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ईश्वर से जुड़े रहें, और जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो आपका बहुत कुछ ईश्वर संभाल लेता है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पन्ना पवई MP का रहने वाला हूँ। आज मुझे इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया, मुझे उम्मीद ही भरोसा ही नहीं था, मुझे इतनी बड़ी हस्तियों के सामने मुझे अवार्ड मिला। मैं MP से हूँ, और मैं युवाओं से मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ सोशल नेटवर्किंग जो भी लोग काम कर रहे हैं या सोशल वर्किंग का काम कर रहे हैं वो अच्छे तैयारी से करें। अच्छा लगता है गरीबों की मदद करना। कल्याण जी के द्वारा मैंने सुना रोटी कपड़ा मकान, ये स्थिति हर जगह, परेशानी तो हर जगह है, लेकिन युवाओं को सामने आना चाहिए। और दूसरा मेरा एक और है कि जो कल्याण जी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं एक और नारा जैसा उन्होंने दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो अच्छा है, लेकिन बेटियों को सोशल मीडिया से बचाइए। सोशल मीडिया मीन्स कहने का मतलब मेरा इंस्टाग्राम से बचाइए और उनका ख्याल रखिए। और मैं अपने युवाओं को, पवई पन्ना के युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज मुझे आप लोगों के प्यार और स्नेह से मुझे इतना बड़ा अवार्ड मुंबई जैसे शहर में मिला। धन्यवाद। मेरा पहला अवार्ड है बॉम्बे में, एंड मैं
काफ़ी टाइम से थिएटर से जुड़ी हूँ, मैं 5 साल से थिएटर कर रही हूँ और मैं पुनीत सर के साथ जय श्री राम रामायण में एज एन सीता मैंने काफ़ी शोज कर रखे हैं। अभी मैंने लेटेस्ट मंदोदरी का भी किया है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी थिएटर में काम करके इतने सालों से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे ही अटेंशन मिले और इससे भी बड़े अवार्ड्स मिलते रहे। ये कल्याण जी जाना जी का ये अवार्ड है और इनको कहा जाता है गरीबों का एक्टर, और सच में गरीबों का एक्टर यानी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो कभी कभी जो हमारी जो ये लाइटें और ये जो चकाचौन रोशनी और जो हम लोग जो आप जितने भी लोग मोबाइल पर देख रहे हैं और ये जो शो अवार्ड फंक्शन जो देखा है आपने, कलाकारों को देखा और आपके मन में जो इच्छा जाहिर हो रही है कि काश मैं उस स्टेज पर जा पाता, उस चकाचौन रोशनी पर कुछ काम कर पाता, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं आप, ये आपके मन में चल रहा है और वो चलने वाला जो है ना, वो चलने के बाद आपके मन में इच्छा होती है कि हम मुंबई जाएं, और मुंबई जाने के बाद आप लोगों को जो है ये बताया जाता है, आप लोग कहीं ना कहीं किसी के चंगुल में फंस जाते हो, तो ये सब कैसे बचे ये तो मैं अपने चैनल पे बताते रहता हूँ। और कल्याण जी जाना ने ऐसे जो है इस तरह के जो लोग काम कार्य कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले मैंने इनसे मुलाकात की थी और उनका एक इंटरव्यू लिया था और उसके बाद उनको जो भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया, और उसी का है कि आप लोग मेरे भी YouTube चैनल को प्यार देते हैं फिल्मी रामा के नाम पर, जहां पर मैं आप लोगों को फिल्म में, फिल्म लैंड में कौन कौन सा काम, जो आप लोग केवल सोचते हो कि केवल एक एक्टर का ही काम है, लेकिन आप लोगों को पता है कि 40 अलग अलग प्रकार के काम को अगर आप करके अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड देने का, मैं उनको कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमको समझे एनर्जेटिक एक्टर और बुला कर उन्होंने दिया। ऐसे मेरा मोड में शूट चल रहा है तो, लेकिन कल्याण जी ने बोला कि आना ही आना है भैया, हमने ठीक है तो मैं आया और अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम है। बेस्ट विशेष सर के लिए। जी वेब सीरीज अभी कर रहा हूँ मैं, हिंदी वेब सीरीज है अमेजोन का, उसका चल रहा है, प्लस अभी मेरा भारत माता की जय जो है रिलीजिंग पे है, बस चल रहा है। और भी सारी कई फिल्में हैं, बोले चुड़िया बोले कंगना है, काफ़ी सारी भोजपुरी में तो काफ़ी फिल्में, लेकिन अभी फिलहाल वेब सीरीज का शूट चल रहा है मेरा अमेजोन के लिए। जी सो थैंक यू सो मच जूरी फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस अवार्ड एंड थैंक्स दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड। आई वुड से दिस फील्स गुड ऑफ कोर्स and as an actress it's just the beginning, so for me it's a long way to go, but I'm really honored that I could be part of this and here my contribution starts, so thank you so much. Thank you. One of the best award shows of the year, और ये केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को सम्मानित किया गया है, और ये इस तरह के जो अवार्ड फंक्शन है इसके ज़रिए आर्टिस्ट को मोटिवेशन मिलता है, वो आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था को मुबारकबाद देना चाहूँगा और थैंक यू सो मच। देना चाहूँगा कल्याण जी को, हमारे दोस्त हैं और ये हमेशा अच्छा अवार्ड शो रखते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को इन्होंने अवार्ड दिया, कलाकारों को दिया, फोटोग्राफर्स को दिया, मीडिया को दे रहे हैं, टेक्नीशियंस को दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्या जो भी हम काम करते हैं उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है, और ये अवार्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि अवार्ड मिल गया है, आगे भी आप अच्छा काम कीजिए ऐसी कोशिश होती है। तो मैं कल्याण जी को, उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि ऐसे अवार्ड शो वो करते रहें, लोगों को प्रोत्साहन करते रहें और हम जैसे कलाकारों को अवार्ड देते रहें, ये दोनों के साथ। थैंक यू सो मच। और कुछ उत्तम जी ने मैनू अवार्ड दवाया है, पहला अवार्ड मेरा है बॉम्बे दे विच, ते बहुत अच्छा लग रहा, उन्होंने एक वधिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो अवार्ड मिले बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी हाँ जी। ओ किन्नी वारी रोके आए जने खड़े नाल एवें बार ना तू जाया कर, ओ किन्नी वारी टोके आए यारा बेलियां दे कोलों कट पी के आया कर, आही चोरा तेरा खा गया अरकान नू ताला लाई बैठी मैं ते जुबान नू, मापिया ने पुत्तां वांगू पढ़ के हां भेजी पै पहला नालों अद हो गई, हद हो गई वे तेरी हद हो गई, फिर मंगदा है माफिया
सॉरी बेबी राती थोड़ी वध हो गई. थैंक यू जी. फीलिंग सो हैप्पी इवन आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन यू नो वर्ड्स कि किसी भी इंसान को आप जब यू नो अवार्ड से सम्मान मिलता है स्पेशली दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड तो उसके बाद शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं. और ये अवार्ड जो है ये मेरे लिए एक नई पहचान है और दिस इज़ फॉर माय पब्लिक एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ माय यू नो इंस्टाग्राम फैमिली फॉर पब्लिक. सो एंड आई एम हैप्पी यू नो बिकॉज इस वक्त मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं जब मैंने ये इतना बड़ा यू नो अवार्ड जो है रिसीव किया है. तो मैं अपने हस्बैंड जी से कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ से समथिंग अबाउट यू नो अबाउट दिस अवार्ड. गौरव यस इट्स आई कैन से द प्राउड फीलिंग टू हैविंग दिस अवार्ड एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू गेटिंग अ दादा साहब फाल्के अवार्ड. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड लव यू. थैंक यू थैंक यू. मैं प्रयागराज से आई हूँ. मैं डॉक्टर मुकेश भाटिया जी के जरिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ शाद्विकी ब्यूटी हेल्थ केयर जिसमें कि हम सारे स्किन केयर हेयर और जितने भी ट्रीटमेंट है सब हम लोग आयुर्वेद से करते हैं. हेयर ट्रीटमेंट प्री ब्राइडल ट्रेनर और प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं आयुर्वेद से जिसमें कि सारे प्रोडक्ट हम डॉक्टर मुकेश भाटिया जी के इस्तेमाल करते हैं. और लड़कियों को हम ये एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं क्योंकि आज जो केमिकल की दुनिया बस गई है लड़कियों के अंदर उसमें से हम आयुर्वेद उनके डाइट को मेंटेन करते हैं स्किन मेंटेन करते हैं बॉडी मेंटेन करते हैं और उन्हें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं ताकि वो आगे भावी जीवन में एक अच्छी ब्यूटीफुल लड़की बन के आगे आ सके. ये पूरा जो फिल्म बनाया वो वीडियो जो होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर है क्योंकि हर एक समस्या को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं लोगों को बता सकते हैं लेकिन वीडियो को जो प्रॉब्लम होता है वो किसी को बताया नहीं जा सकता उनके क्या प्रॉब्लम्स होते. और हिंदुस्तान में तीन तरफ जो समुंदर है उसमें जो फिशरमैन वगैरह है तो छोटी उम्र में जो फिशरमैन की डेथ होने से छोटी छोटी बेटियाँ होती है वो वीडो हो जाती है तो उनकी लाइफ के ऊपर ये पूरा फिल्म बनाया हुआ है और इसी का मुझे बेस्ट राइटर और डायरेक्टर का ये अवार्ड मिला है. थैंक यू वेरी मच. सो आई एम संध्या रावत एंड आई एम बेसिकली इनटू मॉडलिंग एंड आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर आल्सो एंड आई एम इनटू वीडियो क्रिएटिंग द थिंग्स एंड आई एम अ वीडियो क्रिएटर एज वेल. सो आई एम इनटू मॉडलिंग फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years एंड आज कल्याण जी जाना जी को मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिग अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. जिस प्रकार से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और महाराष्ट्र और एमपी भी एक ही हिस्सा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मध्य प्रदेश यूथ आइकॉन लीडर अवार्ड लेकर. और मैं कल्याण जी जाना की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और इस मुंबई शहर की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कवरेज कर रही है. उन सभी को बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मियों को जो है उन्होंने अवार्ड दिया है क्योंकि अक्सर हम लोग जो होते हैं कैमरा के उस तरफ होते हैं लेकिन बहुत ही कम मौका हमको मिलता है जब हम कैमरा के आगे की तरफ होते हैं. तो वी ऑल आर वेरी थैंकफुल दिस अवार्ड प्रोग्राम और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज जो है हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं 24 घंटे हम कह सकते हैं कि हमारा फ़ोन चालू रहता है या हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी काफ़ी काम किया था जब मुंबई में फ्लड आता है या 26/11 जैसी वारदातें होती हैं तब लोग हम लोग ने काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ही कम मौके आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमको कोई सम्मान करता है. हमको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब मीडिया कर्मियों को किसी ने आज अवार्ड दिया है. देखिए कल्याण जी जो चीज़ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम वालों के लिए अमूमन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के भी जो हौसला अफजाई करना जो है एक आदमी जो है सोचता है वो खुद को बोलते हैं कि मैं गरीबों का एक्टर हूँ तो कम से कम एक आदमी जो है मेन स्ट्रीम में काम करने वाले जैसे आप लोग हैं सबके बारे में सोचता है एक आदमी और अवार्ड कोई माने नहीं रखता लेकिन एक आदमी का बुलाना और एक आदमी का सोचना वो माने रखता है कि हम लोग जैसे मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उन लोगों को वो याद करते हैं कि हाँ भाई मेहनत करते हैं तो कम से कम आपकी
हौसला अफजाई की जाए। तो ऐसे हर एक को सोचना चाहिए जैसे वो सोचते हैं, तो और सोच से जो है सोच बदलती है लोगों की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी का, बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने बुलाया और इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे लोग मिलते हैं जितने रिपोर्टर्स हैं, आज इस तरह से अवार्ड में मिले तो बहुत अच्छा लगा। कल्याण जी का थैंक यू। आपके काम को एप्रिशिएट किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण जी जिसको ऊपर वाले ने नाम में कल्याण दिया है तो उनका तो कल्याण होना बेहतर ही है। बस यही कहना चाहूँगा वो हमेशा ऐसी वर्क करते रहें और हम जैसे लोगों को सम्मानित करते रहें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कल्याण जी का फॉर हैविंग मी, मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ जुड़ा हूँ और अच्छा लगा यहाँ पे आके। इनका एंबियंस बहुत अच्छा है और लोगों को इतना प्यार देते हैं, इनका जो अंदाज है बात करने का बहुत अच्छा है, तो दिल से धन्यवाद कल्याण जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी आगे भी वो डिवो में भी वोट कर रहे हैं, लोगों को जमा करें, वही सबसे अच्छी बात है कि चलो सब टैंक में सबको जमा करें, वोट दे रहे हैं। पुष्कर आगे टी फ्रॉम कर्नाटका। मैं कल्याणी जी सर को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, मुझे इन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए इनवाइट किया है, बुलाया है मुझे। मैं इंटरनेशनल मर्डर और चाइल्ड एक्टर हूँ। मैं इंडिया को थाईलैंड, नेपाल, दुबई में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। थाईलैंड में मैंने 7 टाइटल जीते हैं। थैंक यू। मेरा नाम इमरान गुजराती है, मेरा फाउंडेशन का नाम है ब्रदरहुड मेडिकल एंड वेलफेयर फाउंडेशन। हम ये फाउंडेशन तकरीबन 20 साल से चला रहे हैं, जिसके लिए आज कल्याण जी गायक जी ने हमें सम्मान किया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस मेहनत को 20 साल से जो हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमारे इसके देख कर उन्होंने हम पे एक मोहम्मद उमेर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, वी आर इन टू केटरिंग बिजनेस नोन एज अल महाराजा केटर्स। Today we have been awarded from Dada Saheb Phalke Awards. We are thankful to Dada Saheb Phalke Awards for awarding us. We are into this business from last 25 to 30 years and counting more. I am doing this with my father and my brother Mohammad Ashfaq and Mohammad Anas. This is my brother Mohammad Anas Ahmed. Hello. Owner of Al Maharaja Caterers from Hyderabad, and we have our father with us who have started this business. Hi, Mohammad Ashfaq. Main Mohammad Ashfaq Hyderabad se, Maharaja Caterers se. Jo Hyderabadi jo khane hain, Hyderabadi biryani, halim, jo world famous hai, uska main pichle 50 saal se iska catering kar raha hu Hyderabad mein, pure all India mein karta hu. और ये मेरे दो लड़के उमेर और अनस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मोहन राठौर का सादर प्रणाम आप सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये गाना एक सुनाऊंगा क्योंकि मैं भोजपुरिया सिंगर हूँ और भोजपुरी ही हमारी पहचान है। और अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। वो अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। एंड मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली कल्याण जी जना जी को जिन्होंने यहाँ बुलाया और सबसे रूबरू करवाया मुझे। और बहुत स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए ऑफकोर्स दादा साहब फाल्के, एंड ऑलरेडी आई वॉन दिस लास्ट, मतलब अभी 2 महीने पहले मुझे मिला था और आइकॉनिक अवार्ड मिल रहा है, उससे बड़ी क्या खुशी होगी मुझे। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच कि मुझे मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। रामपाल जी और बी एन तिवारी सर को मेरे तरफ से बहुत थैंक यू। मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और मुझे अवार्ड्स काफ़ी मिले, बट ये मेरी लाइफ का पहला अच्छा अवार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और सारे अवार्डी जो है और जितने सेलिब्रिटी सब बहुत अच्छे हैं और प्रोग्राम भी बहुत सक्सेस हो गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इसीलिए मैं कल्याण जी को और उनकी पूरी टीम को सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। इसी तरह अवार्ड करते रहो और वो हर तरह से सोशल वर्क भी करते रहते हैं, उनका सोशल वर्क मैंने देखा है, साथ में किया है। कोरोना में उन्होंने फूड जो बांटा था आदर्श नगर सिग्नल पे, वो सब के सामने है, तो ऐसे काम वो करते रहते हैं और उनके सब साथ देना चाहिए। ये आदमी अकेला भागता रहता है, हर जगह मेहनत करता है, तो इसी तरह उन लोग का साथ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए
आप लोग हम लोग सब सपोर्ट करेंगे तो वो एक दिन और कामयाबी हासिल करेंगे, और सबको पूरी टीम को शुभकामनाएं। मैं आज दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइज जो 2023 में आज यहाँ पे अंधेरी में किया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिल्म जगत के लोग, सोशल वर्कर से जुड़े हुए लोग, सभी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं कल्याण जी को इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा कि इस तरीके से जो भी समाज में कुछ अच्छा कर रहा है उसको अगर यहाँ पे बुला के प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम हमेशा करते रहें और जो भी समाज के लोग हैं उनको ऐसे प्रोत्साहित करते रहें। इस प्रोत्साहना से हम सभी को बहुत बल मिलता है और ऐसा लगता है कि यार कुछ और एक जिम्मेदारी मिली है तो हम और कुछ बड़ा करें। तो इस तरीके से हम सभी करते रहें और कल्याण जी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कल्याण जी जाना को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो वर्क करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, उस काम को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। और प्रोत्साहन के जो अवार्ड है एक प्रोत्साहन के रूप में है, इसलिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे प्रोत्साहन करें, पत्रकार मीडिया हमेशा आगे बढ़े, पत्रकारों को भी सम्मान की जरूरत होती है, जिस तरह हमें सम्मान करते सारे पत्रकारों को सम्मान होना चाहिए। सब पत्रकार भाइयों को पहले नमस्कार कहती हूँ। मैं डॉक्टर भाग्यश्री कुलकर्णी, मेरी NGO है स्नेहदीप फाउंडेशन करके, और जो रास्ते पे भटकते रहते हैं, जो मेंटली इल लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। और इसी काम के लिए ये दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मुझे मिला है और मैं आज बहुत खुश हूँ। और कल्याण जी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चुन चुन के निकालते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। आप लोगों का थैंक यू एंड कल्याण जी जना जी का थैंक यू, जो लोगों को चुन चुन के निकालते हैं, उनको ढूंढते हैं कौन किस काबिल है और उनको बुला के यहाँ पे सम्मानित करते हैं। मेरा नाम उर्मिला वर्मा है, मैं मॉडल, एक्टर, और अभी मैंने इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो मैं सेकेंड रनर हुई मिसिस इंटरनेशनल आइकन वर्ल्ड 2023। और इसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कल्याण जी का, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया, उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर, फाइनली मैं आ पाया। हम 3-4 साल से प्लान कर रहे हैं, भैया आप कब आ सकते हो, कभी मैं बाहर, कभी ये दुबई, कभी कहीं। फाइनली मैं अपना 10th दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड ले रहा हूँ, 23 का, जो कि हम 18 से प्लान कर रहे हैं। I'm blessed, I'm honored to get it. Thank you so much. ऐसे ही मेरे गानों को प्यार देते रहो, ऐसे ही जो फिल्म आने वाली है उसको प्यार देते रहो। Thank you so much for the दादा साहब फाल्के award. Lucky wife and my lucky charm. दोनों lucky charm. Same dress. इनकी ड्रेस भी मैचिंग मैचिंग होती है। Thank you. अंजी जिन्होंने मुझे इसमें invite किया, थैंक यू सो मच कि मुझे इतने सम्मानित लोगों के बीच में बुला के ये अवार्ड मिला। मुझे इंस्टाग्राम आइकन इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दिल्ली से मुंबई आके ये अवार्ड ले रही हूँ। और ये सब जो भी हुआ है ये मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की वजह से हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम फ़ैन की वजह से। थैंक यू सो मच मेरे जितने भी फैंस हैं इंस्टाग्राम पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मेरे हाथ में आज ये है। और मैं कोशिश करूंगी आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे अवार्ड लेके मैं सम्मानित हूँ। सबसे पहले हमारे सारे भाइयों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल्याण जी आज की डेट में बहुत अच्छे अवार्ड और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े अवार्ड कर रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे दार्शनिक बॉम्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, और कल्याण जी जाना DPIF टीम का। और बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म जो सीरियल बॉम्बे बम ब्लास्ट पर आधारित है वो जल्दी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। ऊपर से सुल्ताना डाकू की शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार आशीर्वाद, ऐसे ही जैसे जिस तरह से मुझे दे रहे हैं, देते चले आ रहे हैं, मुझे बस इस तरह से प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, दुआएं देते रहें। और हमारे साथ में हमारे मीर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी बड़े अच्छे दो म्यूज़िक वीडियो लेके मुझे बनाए हैं, वो बहुत जल्दी इनके चैनल पर इंशाल्लाह वो आएंगे, तो आप सबको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। बड़े अच्छे गाने शूट हैं, म्यूज़िक वीडियो है, तो आप सब बस इस तरह से मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहें, दुआएं देते रहें। मीर साहब कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई,
कल्याण जी ऐसे ही करते रहें, आगे अवार्ड शो चलता रहे, और बस हमारी यही दुआ है कल्याण जी के लिए, और उन्होंने इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत जल्दी जो म्यूजिक वीडियो आपके चैनल से प्रसारित होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ हम लोग म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप सबको म्यूजिक वीडियो मेरे साहब के चैनल पे दिखेंगे। तो और आप सबका बस बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी का और पूरी टीम का जिन्होंने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू आप लोगों का, आप लोग हमेशा यूं ही प्यार देते हैं हर जगह पे। मेरी फिल्म आने वाली है जिसका होर्डिंग वहाँ पे लगा है, दर्द न जाने कोई हंगामा पे, अगले महीने। ये कहानी बड़ी ही खूबसूरत है, आज के ज़माने में जैसे कि लड़के लड़कियाँ हैं घर से दूर आते हैं, अपने माँ बाप की जो चीज़ें उनको फॉलो नहीं करते, और जो अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं, ये उन्हीं के ऊपर बेस है कि हमारे जो घर वाले हैं जो हमसे कहना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप सबको बधाई कि आप हमें इतना मौका दे रहे हैं कि हम आपके सामने आ पाए, और हमारे जो आनंद जी है उनको भी सबसे बड़ी बधाई, और हमने मूवी बनाई है दर्द न जाने को है, जो लिव इन रिलेशन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस मूवी को देखें, और बहुत अच्छी मूवी है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया इसलिए कह रही हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ इसलिए कह रही हूँ, बट रियल में एक आज के जनरेशन के लिए ये मूवी रियल में बहुत अच्छी है। आप सभी लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए और प्रमोट करिए, और आपके आने वाले एकदम बढ़िया। नमस्कार नमस्कार मेरे कर्ता धर्ता को। भाई मीडिया है ना, वही रातों रात स्टार बनाती है और रातों रात बेकार बनाती है, तो मीडिया को तो पहले प्रणाम करना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, मैं बताऊँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये, क्योंकि इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने बहुत, मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत अवार्ड मिला, बहुत बड़े बड़े मंच मिले, लेकिन ये सम्मान और ये मंच बहुत स्पेशल है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला सम्मान है जो मैं अपने पति सौरभ कुमार जी को समर्पित करना चाहूँगी, और थैंक यू बोलना चाहूँगी कल्याण जी का और उनकी वाइफ अंकिता जी का। आप सभी को ये अवार्ड समर्पित करता हूँ, और सिर्फ कल्याण जी जाना के लिए सिर्फ दो लाइन कहना चाहूँ, एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिसने कल्याण जी जाना को नहीं जाना उसने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जाना। ऐसे पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो स्टेज हमें कहीं लेकर आके खड़ा कर रहा है। हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हर किसी का काम थोड़ा स्लो होता है, कानून भी थोड़ा स्लो चलता है, पब्लिक भी थोड़ा कम सुनती है, ये हमारा ट्रेंड है इंडिया का। तो एक्चुअली जागरूकता कहाँ से लाएंगे, पुष्कर भाई बताइए, मीडिया बताएगी, मीडिया बताएगी जागरूकता कहाँ से आएगी, जागरूकता वहाँ से आएगी। हेल्प केयर तो हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए, बट समाज को समझना है, खुद की मदद खुद करो, एंड व्हेन यू सी समथिंग इलीगल तो प्लीज उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट से हुई थी, महिला कलाकार संघ, और आज मैं ऐसी कौन सी जैसे कि बड़ी हीरोइन नहीं है जिसके मैं सारे हीरोइंस के बॉडी डबल कर दी, जैसे कि स्टंट, जैसे स्टंट में जैसे बॉडी फायर। अमित कल्याण जी जाना और उनकी धर्मपत्नी अंकिता जी ने ये अवार्ड समारोह का आयोजन किया है। ये आज अवार्ड तो काफ़ी मिले, आज अवार्ड देने के लिए मुझे बुलाया गया था लोगों को को देने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है इस तरह का अवार्ड का आयोजन होना, इस मुंबई शहर में नए टैलेंट को मौका देना, बहुत बहुत बधाई पूरे कल्याण जी जाना की पूरी टीम को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, और ढेरों शुभकामनाएं। अवार्ड है और कल्याण जी जाना इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं इसमें एक कल्याण जी जाना बहुत ही मेहनती है, और उन्होंने मतलब इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है, तो आज ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जो जिनको भी मिल रहा है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आप मेरा अभी परफॉर्मेंस देखेंगे शिव की जोगन जो हमारा सॉन्ग है जो मिलियन मिलियन में हिट हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, आज उसी सॉन्ग पे मैं और मेरी पूरी टीम शिव की जोगन पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। अवार्ड के बारे में तो बहुत कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है, और कल्याण जाना को हमेशा हम साथ देते हैं, आगे बढ़े, वैसे ही हमारे भाई आज अवार्ड पाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ है, धन्यवाद। ये आज बहुत अच्छा लगा कि ये अवार्ड शो हुआ, और हम जैसे कलाकारों को हमारे अंकल जी अप्रिसिएट करते हैं, ये टीम अप्रिसिएट करता है,
तो मैं शायरी के अंदाज में कहना चाहूँगा कि अगर हौसला हो तो अच्छा रहा। ऑर्गेनाइजर सभी और सारे एक्टर सारे अवार्ड्स विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस यही कहूँगी कि मैं मतलब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है अवार्ड लेकर, और आप सभी को थैंक यू सो मच। और ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, तो मैं अपनी मॉम को थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से, तो वहाँ से मुंबई तक की जो जर्नी रही है मेरी काफ़ी मतलब कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अभी तक कुछ 11,000 से ऊपर अवार्ड मिल चुके हैं, ये एक नंबर और ऐड हो गया उसमें। अवार्ड्स का जो बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया हुआ है, हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, 60 साल में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। थैंक यू टू कल्याण जी जाना फॉर दिस अवार्ड, ऑल द बेस्ट। एंड सिंगिंग के ऊपर और मेरे भाई को सिंगिंग के ऊपर मिला, और मुझे बेस्ट अचीवमेंट एक्ट्रेस के मतलब मुझे अवार्ड मिला हुआ है, इनको सिंगिंग के अवार्ड मिले हुए हैं और इनको सिंगिंग। कल्याण जी तो बहुत अच्छे काम, उनके पास हम लोग मिले थे जाके, तो उनका जो भी हम लोग उनका सुना, उनका जो पब्लिक को लेके ऐसा नशे को लेके और जो नारी शक्ति को लेके जो उनका सोच है वो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कल्याण जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच आइकॉनिक अवार्ड, थैंक यू सो मच माई इंस्टा फैमिली जो आपने मुझे इतना तक इतना काबिल समझा, और ज़्यादा प्यार दो ऐसी और ज़्यादा हम लोग अवार्ड ऐसी जीते हैं, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी को, आप सभी को, और थैंक यू प्रेस मीडिया, और बहुत खुशी की बात है, और मुझे आज मेरा सा अवार्ड भोजपुरी इंडस्ट्री में आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया है, तो सभी को थैंक यू सो मच। जितने भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिनसे मुझे आप सभी देख रहे हैं, जितनी जनता, उनको मैं अपना अवार्ड पहले आ रखता हूँ। दिस इज़ माय अवार्ड जो आज मुझे मिला, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद, पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता पिता, गुरु, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, जितने भी हीरो हीरोइन सबके लिए, जिनके लिए भी मैंने काम किया, जो भी गाने जो हिट हुए, उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। एंड बहुत सारे गाने आप सब ने समझता हूँ दादा साहेब फाल्के इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी कि मुझे इस एज में इस अवार्ड से नवाजा गया है या मुझे उसके लायक समझा गया है, तो थैंक यू सो मच। ये अच्छा लगा कि ये कल्याण जाना जी का अवार्ड शो है जो गरीबों के एक्टर हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी होती है जो एक बड़े अवार्ड शो से बेटर लगता है कि एक आम इंसान ने बाकी आर्टिस्ट के लिए, और ये मीडिया के लिए स्पेशल जो इन्होंने अवार्ड रखा है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आप मीडिया ही तो आज हमें चमकाते हैं, आप लोग हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो। मैं कोलकाता में एक रिहैब सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स और मेंटल पेशेंट लोगों का ट्रीटमेंट होता है, तो मेरे को ये अवार्ड ये एडिक्शन फील्ड में काम करने के लिए एज अ सोशल वर्कर मिला है। एंड मेरा एक कोशिश है कि इस समाज को नशा मुक्त एक समाज बनाया जाए, इसका लिए एक छोटा सा कोशिश है। और मेरा रिहैब कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट रिहैब में से है जहाँ से काफ़ी सारा लड़का लड़की लोग ट्रीटमेंट लेके आज नशा छोड़ के अच्छा से ज़िंदगी जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस अवार्ड से मुझे नवाजा, उन्होंने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मुझे बेस्ट भोजपुरी म्यूजिक के लिए अवार्ड दिया गया है, तो एक गाना मैं गाना सुनाऊंगा, इसका बोल है। कोलकाता से आई हुई हूँ स्पेशली फॉर दिस दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, और मेरी ख्वाहिश एक है कि हम लोग चार वक्त की रोटियाँ खाते हैं, क्या हम सब मिलकर एक वक्त की रोटी शेयर कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए? मुझे उम्मीद है जितने लोग सुन रहे हैं ज़रूर इसको एक बार के लिए सोचेंगे, बिकॉज अ स्माइल टू अ फेस मीन्स अ लॉट। कल्याण जी जाना जी एक बहुत एक्टिव रहते हैं, और जो भी इस फील्ड में
खासकर वो एक कलाकार हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकारिता हो, समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए लोगों को अपने तरीके से उन्हें सम्मानित करते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। एक लेखक के तौर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे सम्मानित किया। मैं कल्याण जी, जाना जी, उनके तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 10वां साल हुआ, स्टार्ट में शुरुआती अवार्ड वही थी, उसके बाद फिर दुनिया देने लगी। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कल्याण जी जाना ये 10वां साल भी मुझे अवार्ड दिए, बीच में भी कई सारे अवार्ड दिए हैं। कहा गया है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, बाद में उन्हीं के पीछे सारे काफिले होते हैं। तो कल्याण जी जाना एक ब्रांड है, एक नाम है। अकेले चलते चलते आज काफिला बन गया है, जो इतने लोगों को देने की उनकी एक क्षमता बन गई है। अवार्ड देना बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि ऐसे ऐसे अवार्ड करते रहें सारे कलाकारों को। इसमें क्या करो आप में उसमें करो, वीडियो करो, उसमें लाइक करो। यस यस, आपको भी अवार्ड मिला है। नहीं है, ही नहीं है? नीचे है ना, है अरे अनु कितनी खुशी हो रही। सबसे पहले मेरी महादेव को मेरा प्रणाम, सभी मीडिया को मेरा प्रणाम। हारा हारा महादेव। मैं अपने टीम को नमन करता हूँ, आप सबको मैं नमन करता हूँ। सर झुका के मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप लोग 3 बजे से यहाँ पे खड़े हो, आप सभी दोस्तों को, सभी मीडिया को मेरा नमस्ते है, सर झुका के मेरा प्रणाम है। मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो गौरव अनिल शाह हो, माई वाइफ अंकिता जाना, शिल्पा चौहान, निशा जी और तमाम जितने भी लोग मेरी टीम के साथ जुड़े हैं, सूरज माटे, हमारे पाल साहब, रामकुमार पाल साहब, बी एन तिवारी साहब, और जो हमारे दुबई के जितेंद्र साहब और जितेंद्र साहब, इसके साथ साथ में हमारे महेश साहब, हमारे जो महेश भाई है जो पूरा डिजाइन करते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं, मेरा सचिन भाई है मेरे दुबई से, मतलब तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, मीडिया को नमन करता हूँ। दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड में आज 10 साल मेरा पूरा हो रहा है, देखिए 10 साल मेरा पूरा हो रहा है। तो आप सोचो, मैं 2013 में शुरू किया था, 10 साल पूरा हो रहा है, 2023 हो गया। आज सभी मीडिया को पता है, मैं सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे धर्मपत्नी को मैं नमन करता हूँ, मेरी बेटी को मैं नमन करता हूँ, मेरे साथ जो जुड़े हैं, टीम जो है, मैं उनको नमन करता हूं। और जो लोग नहीं आ पाए बारिश के वजह से, बहुत बारिश हुआ, और जो लोग आए मैं उनको नमन करता हूं। सबका नाम लेगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन सबका नाम नहीं ले पाएगा, लेकिन ऐसे ही सबको मैं, जितने भी लोग आए सभी को मैं नमन करता हूं, और जितने लोग नहीं आ पाए उनके भी मैं नमन करता हूं। जोगेश लखानी साहब, ब्राइट के आउटडोर मीडिया पार्टनर के हमारे भाई साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनका ट्रॉफी किसने कलेक्ट किया है साहब ने, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। 24 जावेद पठान साहब आइए जावेद पठान साहब। 24 जो अगस्त को मुझे मेरा शो, ये जावेद पठान साहब है, मेरा भाई है, बहुत सालों से हम दोनों बहुत गरीब से हम लोग आगे बढ़े हैं, ये तो ये अपने जगह पे सुपरस्टार बन गए, मैं अपने जगह। तिवारी साहब आइए, तिवारी साहब गुरु जी आइए। तो ये देखो जिसका मैं नाम ले रहा था, तिवारी साहब जो जादूगर है, 3 बजे से इनको रुकाया मैंने अभी। तो आप सबको मैं इतना बोल दूं, जो अभी तो मेरा सिर्फ 4 मारा है, अभी तो 6 मरना बाकी है, सेंचुरी बाकी है गुरुजी। 24 अगस्त को जो शो हो रहा है, बहुत बढ़िया शो हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज तो आज है, हो गया, लेकिन 24 अगस्त के लिए आप सभी को मुझे आशीर्वाद देना है। और 6 और 7 अक्टूबर मेरा दुबई है, उसके बाद 24 नवंबर मेरा और फिर से मुंबई है, सबको पता है दादा साहब फाल्के मेरा सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है, मुंबई पुलिस का मेरा अवार्ड शो होता है। उसके बाद 24 दिसंबर को मेरा गोवा है, ये सबको पता है, पूरा यहाँ पे पीछे लिस्ट लिखा हुआ है मेरा शो का, और इस साल का मेरा कोटा पूरा होता है। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मैं तो देखो, मैं छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है,
मुझे माफ़ कर देना, मैं कान पकड़ रहा हूँ, कुछ भी मुझसे गलती है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं गुनहगार, कभी मुझसे निकल गया मुझे जवान से, तो मैं इसलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं इतनी प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए, मैं आपको दिल से मैं नमन करता हूँ गुरु, थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहे, मैंने पहले भी बोला जी, कल्याण जी ये आखिरी आदमी है जैसा आदमी ढूंढने में फिर तुमको नहीं मिलेगा। अभी जिस तरह से आदमी सबके सामने झुक रहा है, दुनिया झुकेगी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हारा महादेव, वाह क्या बात है, क्या बात है। आज का स्लोगन कम। मेरा आज का स्लोगन देखिए, ये नारी है, कम बाबा। देखो ये नारी है, देखिए कितना अच्छे से खूबसूरत, देखो उसने सूट पहन के आए हैं, उनका लीजिए आप कैमरा में। तो मुझे ऐसे नारी चाहिए जो सूट पहनता, साड़ी पहनना, जो भूला नहीं हो। मेरा आज का स्लोगन है, जिसके वजह से मैंने शो आज किया, पुष्कर जी मेरा आज का शो है, स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो चुका है, बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो चुका है, बेटियों को इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से बचाओ, इस देश के कल्चर को, इस देश के सभ्यता को बचाओ। इतिहास गवाह है, जिस कंट्री ने अपने कल्चर से खेला है वो कंट्री खत्म हो चुका है, इतिहास गवाह है। और दूसरा मेरा स्लोगन है, नशा मुक्त भारत। दोस्त थूकना मना है, अब लिखते हो, अरे गुटखा मत बेचो ना, थूकना मना है मत लिखो, सिगरेट पीना हानिकारक है, अल्कोहल हानिकारक है, अरे भाई मत बेचो, हानिकारक मत लिखो। आज थूकना मना है तो बड़े बड़े बिल्डिंग में, मालूम है जो माड़ा का बिल्डिंग होता है बहुत थूकता है, तो वहां पे साईं बाबा का फोटो, ये गणपति का फोटो, मतलब लोग अपना भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है, उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्त ऐसे लोगों को भगवान बरस करे, तो आप सभी को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। ये दो स्लोगन मेरा जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। बस जावेद साहब बोलिए। यहाँ आने का सबसे बड़ा तो रीज़न है अपने कल्याण भाई, और इनसे मुलाकात हमें लगता है तकरीबन हमारा रिश्ता 10 से 12 साल के हो गए, और दोनों की मुझे लगता है स्ट्रगल टाइम चल रहा होगा दोनों का। और बहुत खुशी भी जब इन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई एक अवार्ड कर रहे हैं, तो जब अपने ऐसे लोगों को देखते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा जिस मुकाम पर है, मतलब आज मुझे लगता है जब इनसे मुलाकात हुई थी उसमें हमने एक्टिंग शुरू भी नहीं की थी, अभी तक 14 टीवी शोज हो गए, अभी फिल्म रिलीज हुई थी मेरे NRI वाइफ्स भाग्यश्री से लेके बड़े बड़े सभी स्टार कास्ट थे, 3 म्यूजिक वीडियो हो गए, अभी एक एड रिलीज हुई सौरभ गांगुली के साथ। तो मैंने इनको यही कहा था कि भाई आप अवार्ड फंक्शन तो ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे तो मैं अपने आप को, मतलब वो गर्वशाली फील करूँगा कि मैं भाई के साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है।